तो नरेंद्र मेहता सर ना, ऐसा आयोजन की जो मिडिल क्लास पब्लिक है जिसको भी मतलब आशा होती है कि हम लोग कोई बड़े स्टेज पे जाके गरबा खेले, तो वो हिसाब से यहाँ पे बहुत बेस्ट है। और मैं बोलूंगा कि बोरीवली सबसे भी बेस्ट मीरा भाईंदर का अपना लोटस नवरात्रि है। मेहता जी हमारे बहुत खास है और हम चाहते हैं वही आएंगे और वही आने वाले हैं, ये श्योर है। ये नरेंद्र मेहता जी का ही एक बार कहीं कोई नहीं जा सकता, लोटस के लिए हमें हार्दिक शुभकामनाएं। पर नरेंद्र मेहता जी ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है एंड वी लव इट। तो ये बाकी अमीरा भाईंदर के ग्राउंड से अलग बनाता है लोटस नवरात्रि? हमको दूसरा ग्राउंड देखना ही नहीं है, उस लेवल तक का ये अच्छा है कि हमको देखने भी नहीं जाना है उसको। ऐसा ये लोटस ग्राउंड में ऐसा क्या है जो बाकी ग्राउंड से ये अलग करता है? यहाँ पर हमारे नरेंद्र मेहता और डिंपल मेहता माय फेवरेट। आज है नवरात्रि का 6th डे और माँ कात्यायनी का दिन, जो इंडिकेट करती है पैशन और पावर को। पावर तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन अगर मैं पैशन की बात करूँ तो लोटस नवरात्रि में पैशन एक अलग लेवल पे दिखता है। यहाँ हमने लोगों से बात किया, उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरीके का उनका पैशन है गरबा को लेके, और उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई है लोटस नवरात्रि की। अगर मैं बात करूँ विमेन सेफ्टी की, तो कुछ लोगों ने यहाँ बताया कि ये एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे विमेन अकेले भी आए तो उसे इनसिक्योर फील नहीं होता और वो यहाँ उतने ही उत्साह से गरबा इंजॉय करती है जितना उसका पैशन है। हर किसी ने नरेंद्र मेहता की तारीफ की और ये कहा आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उनकी मैं एक लाइन आपको सुनाना चाहूंगी, ईस्ट हो या वेस्ट, लोटस नवरात्रि इज द बेस्ट। तो आगे के 4 दिन हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे के 4 दिन इतने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कई सेलिब्रिटी, हैरी नकुम इज देयर, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी धमाल मस्ती होगी जो हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी हेडलाइन। आज नवरात्रि का 6th डे है, आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मेरे को है ना बहुत प्राइज मिले तो मैं आज बहुत खुश हूँ, और ऐसा नहीं कि मेरे को एक बार मिले, मेरे को 2 बार प्राइज मिली है। लोटस नवरात्रि के लिए आप खास क्या कहना चाहोगे? लोटस हमारे के लिए मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल हम खेल सकते हैं, ये सीजन 5 चल रहा है और यहाँ पे कोई भी लेडीज़ को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत ही हम लोग अच्छे से खेल पाते हैं, हम लोग हर साल यहाँ पे ही खेलते हैं। सर क्या कहना चाहोगे कि क्या लगता है ये मीरा भाईंदर का सबसे बेस्ट ग्राउंड है फॉर गरबा? यस मैम, ये सबसे बेस्ट ग्राउंड है क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड, पार्किंग की व्यवस्था, मतलब कब किधर भी देखोगे तो अड़चन नहीं रहेगी। प्रॉपर अगर जाओगे तो नज़दीक भी गिरता है, मीरा रोड से आने वाले को भी नज़दीक गिरता है, कोई बोरीवली से आता है उसको भी बाई बस नज़दीक गिरता है। तो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट गरबा है, और नरेंद्र मेहता जी को थैंक यू भी कहना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट आयोजन किया है। और मतलब देखोगे तो आप बोरीवली साइड जाओ, वहाँ पे फाल्गुनी है, कोरा केंद्र है, बहुत सारे आयोजन हो रहे, बट वहाँ के पासिस भी देखोगे तो जो आम आदमी है वो खेल नहीं पाएगी। और यहाँ के आप देखोगे तो नरेंद्र मेहता सर ना, इस आयोजन की जो मिडिल क्लास पब्लिक है जिसको भी मतलब आशा होती है कि हम लोग कोई बड़े स्टेज पे जाके गरबा खेले, तो वो हिसाब से यहाँ पे बहुत बेस्ट है। और मैं बोलूँगा कि बोरीवली सबसे भी बेस्ट मीरा भाईंदर का अपना लोटस नवरात्रि है। एज अ बेस्ट कॉस्ट्यूम टुडे अवार्ड मिला, क्या बोलना चाहोगे? जैसे मेरे पति बोल रहे पीछे से, थैंक्स टू माय हस्बैंड, थैंक यू टू माय हस्बैंड फॉर कोऑपरेटिंग एंड ही इज मोर सपोर्टिव रिगार्डिंग दिस। ये मेकअप करने में मुझे कम से कम 4 घंटे गए हैं, और वो एक क्रेज है यहाँ के, प्रेजेंट करना, खेलना, बहुत मज़ा आता है। लोग सोचते कि अरे लोग देखेंगे तो क्या होगा, उल्टा यही मज़ा है, लोगों से अटेंशन सीख कर लो यार, ये मौका है। काम इज लव अटेंशन, काली माँ की जय। क्या कहना चाहोगे लोटस नवरात्रि के बारे में? यानी यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहता है, यानी आने का फैसिलिटी है, सब अच्छा रहता है। तो तुम अपने दोस्तों के साथ आते? हाँ, हमारे ग्रुप है। कितने दिन से आ रहे हो तुम? 8 दिन से आ रहे हैं। गरबा खेलना आता है? हाँ। और यहाँ मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। और ये ऑल ग्राउंड नहीं, क्यों? आज यहाँ पे आते हैं हम लोग हर साल, यहाँ पे बहुत मजा आता है, ऐसा लग रहा है। मतलब यहाँ लगा बहुत अच्छा लगा, पर बहुत रश बहुत है। ये तो लोटस की खास है। हाँ ये सही है, सही है। क्या कहेंगे? मस्त मस्त मस्त, बहुत अच्छा है। इसमें 5 साल से 5 सीजन से आ रही हूँ मैं। अभी नरेंद्र मेहता जी का बहुत अच्छा मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजर है उसका, और 5 साल में पहली बार ट्रॉफी मिली, आज इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि सच में नाचने को मन हो रहा है बस। क्या कहेंगे आप? बस ये 5 साल से ये लोटस में हमारे नवरात्रि इतनी अच्छी तरह हो रहा है कि किधर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भाई ये नरेंद्र मेहता जी का ही एक बार कहीं कोई नहीं जा सकता, लोटस के लिए हमें हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहोगे लोटस नवरात्रि के बारे में? लोटस नवरात्रि बहुत अच्छी हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में, झूमने में,
बहुत कुछ, बहुत कुछ, कुछ नया अनुभव है और बहुत कुछ मजा आ रहा है। अभी भी 4 दिन बाकी है तो ऐसा कह सकते हैं कि क्लाइमेक्स तो हो गया, अभी एंडिंग बाकी है। कैसी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एंडिंग में आप? एंडिंग में तो और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि रात 12 बजे तक होगा, लास्ट के 3 डेज और इंजॉयमेंट होने वाला है और धमाल होने वाला है और न्यू गेस्ट आने वाले हैं हमारे वहाँ। मेहता जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेहता जी हमारे बहुत खास है और हम चाहते हैं वही आएंगे और वही आने वाले हैं, ये श्योर है। तस के बारे में हम क्या बोले, नरेंद्र मेहता जी ने कुछ बोलने के लायक छोड़ा ही नहीं है। इतनी अच्छी नवरात्रि करते हैं, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। हम इतना एंजॉय करते हैं, कि पूछो मत। और सिक्योर भी हम लोग यहीं पे खुद को फील करते हैं क्योंकि कहीं और जाने तो बाहर इतना कुछ चल रहा है तो हम लोग नहीं जाते, हमें सिर्फ यहाँ पे अच्छा लगता है, हम यहीं पे आते हैं। और हर सीज़न पे हम आज, ये हमारा 3रा साल है, 3 ईयर्स से हम लोग यहीं पे खेल रहे हैं और इस बार हम लोग चाहते बस हमारे मेहता जी आ जाएंगे। वोट फॉर प्लीज नरेंद्र मेहता जी। क्या इस बार मेहता जी आएंगे? Yes! इस बार नरेंद्र मेहता जी ही आएंगे। क्या कहना चाहोगे लोटस नवरात्रि? हम इतने साल से आ रहे हैं, बहुत बहुत मजा आ रहा है। हम 5 साल से खेल रहे लोटस में पर बहुत बहुत यहाँ के जैसा हम कहीं नहीं जाते, हम पूरा ग्रुप यहीं खेलते हैं। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि मीरा भाईंदर का सबसे बेस्ट ग्राउंड है फॉर गरबा? 100% इट इज द बेस्ट ग्राउंड टू प्ले। यस यस, लोटस इज द बेस्ट। मैम, लोटस नवरात्रि के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज डे 6 है, मैं देख रही हूँ फर्स्ट डे से लेके अभी तक सेम उत्साह है आप सबको, क्या कहना चाहोगे? बहुत ही यहाँ पे अच्छा होता है और सिंगर इतने बेस्ट है, इतना अच्छा गाते हैं, इतना मजा आता है। हम लोग 1 डे से हम लोग आ रहे हैं, इतना हम लोग मजा करें, नॉन स्टॉप हम लोग नाते, हम लोग का पूरा फैमिली, छोटे छोटे बच्चे से लेके हम लोग सब बड़े लोग, सब लोग देवराज जाने पूरा ग्रुप हम लोग ले आते हैं यहाँ पे। और क्या कहना चाहोगे? देखो लोटस के बारे में तो क्या करूँ कि लोटस में तो हर सीजन होता ही है, तो यहाँ का जो म्यूज़िक और आवाज़ है बहुत ही मज़ा आता है एंजॉय करने। जैसे म्यूज़िक बजता है हम लोग के पाँव भी ऑटोमेटिक बजने लगते हैं और यहाँ पे हम लोग सब फैमिली एक साथ में खेलते हैं तो इतना एंजॉय करते हैं कि कोई उसका सीमा नहीं, और देवी माँ का आशीर्वाद है कि हम लोग को थकान नहीं हो रही। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 9 डेज है वो फैमिली गेट टुगेदर। सही में सब लोग मिराड़ वाले। माता जी का जो ये 9 दिन होता है ये फैमिली के साथ ही होना चाहिए, मेरा ये मानना है, बाकी अपने अपनी सोच रहती है। फैमिली सब लोग आते हैं यहाँ पे, छोटा बच्चा वो जो खेल रहा है वो मेरे देवर का लड़का है। अच्छा, सब लोग, हम लोग आते, देवरान जेठानी सब लोग। एज पर द एज गरबा डजंट इतना एज, राइट? गरबा के लिए कोई उम्र नहीं होती है और सीखने के लिए भी कोई उम्र नहीं होती है, तो बोलो अम्बे मात की जय। मैं तो इतनी एक्साइटेड थी, पूरा 1 साल मुझे इंतजार रहता है कि नवरात्रि कब आएगा, और लोटस में आने के लिए तो बेसिक इंतजार, सब लोग आते हैं, मिलते हैं, माता का इतना एंजॉय होता है, गरबा डांडिया, आई एम हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। तो ऐसा ये लोटस ग्राउंड में ऐसा क्या है जो बाकी ग्राउंड से ये अलग करता है? यहाँ पर हमारे नरेंद्र मेहता और डिम्पल मेहता माई फेवरेट, हम लोग को बहुत मजा आ रहा है और स्पेशली ये साल हैरी नकुम जी के साथ बहुत ही मजा आ रहा है, उनकी एनर्जी, उनके सॉन्ग्स, हमने जो भी प्रिपेयर किया, हम लोग एक्चुअली प्रिपेयर करते हैं थोड़े दिन पहले से, एंड इट हैज़ बीन फैंटास्टिक सो फार। नरेंद्र मेहता जी ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है एंड वी लव इट। क्या ये पिछले साल से बेटर है? डेफिनेटली एवरी ईयर आई वुड से इन लोग है ना एक नॉच ऊपर कर रहे हैं अपने लेवल को, विच इज़ वेरी ग्रेट। तो ये बाकी अमीरा भाईंदर के ग्राउंड से अलग बनाता है लोटस नवरात्रि? हमको दूसरा ग्राउंड देखना ही नहीं है, उस लेवल तक का ये अच्छा है कि हमको देखने भी नहीं जाना है उसको। सो आर यू एक्साइटेड फॉर द बाकी के 4 दिन? अरे डेफिनेटली वी आर प्रिपेयर्ड, वी हैव कॉस्ट्यूम्स रेडी, हम सुबह जाके कॉस्ट्यूम्स रेडी करते हैं, शाम को यहाँ पे जगह पकड़ने आते हैं एंड देन वी डू आवर शो। तो मतलब आगे के 4 दिन बेस्ट ग्रुप जीतने वाली है आपकी? हमारा ऑलरेडी जीत गया है, प्रोबेबली फाइनल हम लोग जीतेंगे, एटलीस्ट जीते नहीं जीते हम लोग एंजॉय जरूर करेंगे गरबा, विच वी लाइक। सर मैं आपको 5 डेज से कंटिन्यूस देख रही हूँ, जो लेवल, जो एनर्जी आपकी दिख रही है, क्या कहना चाहोगे लोटस नवरात्रि के बारे में? लोटस नवरात्रि ईस्ट और वेस्ट, लोटस नवरात्रि इज द बेस्ट, और हम लोग सब लोटस नवरात्रि में आज से नहीं 5 साल से यही खेलते हैं और हम लोग की सबकी एनर्जी सेम है। तो क्या लगता है बाकी मीरा भाईंदर में कोई बीट कर पाएगा लोटस नवरात्रि को? सवाल ही नहीं, कोई चांस ही नहीं।